Hi friends, my name is Sura Soni and I am greeting you on my YouTube channel Chemstar. So friends, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल Chemstar पे. तो आज हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं CSIR केमिकल साइंस जून 2018 के क्वेश्चन पेपर से है ये क्वेश्चन. ये क्वेश्चन पार्ट ए में पूछा गया है, जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है ये. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और उसका बेस्ट सॉल्यूशन और ट्रिक क्या होगा उसको सॉल्व करने के लिए. तो लेट्स स्टार्ट. तो क्वेश्चन इज, ए एंड बी मूव्स क्लॉकवाइज अराउंड अ सर्कल स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट पी. यहाँ पे बताया गया है कि दो ऑब्जेक्ट है जिसको ए और बी बोला गया है, वो एक सर्कल के चारों तरफ घूम रहे हैं. वो एट अ टाइम, एक ही टाइम पे स्टार्ट होते हैं पॉइंट पी से, जिसके लिए दोनों के लिए, दोनों भी ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन पॉइंट पी है, वो सेम टाइम पे पी से स्टार्ट होते हैं. अभी तक के क्वेश्चन में हमें ये समझ में आता है. और आगे बढ़ते हैं. ए टेक्स 10 मिनट्स टू कम्प्लीट अ राउंड बट रीस्टार्ट आफ्टर अ डिले ऑफ 1 मिनट्स. ऑब्जेक्ट ए जो है वो सर्कल का पूरा एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 10 मिनट लगाता है, और जब वो वापस पॉइंट पी पे पहुंचता है तो वो वहां पे एक मिनट के लिए रुकता है. फिर एक मिनट के बाद वो वापस से सर्कल का राउंड लगाना स्टार्ट करता है. मतलब कि ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पी से स्टार्ट होता है, जब वो पूरा सर्कल का एक राउंड लगा लेता है, वापस से पी पे पहुंचता है 10 मिनट में, उस 10 मिनट के बाद वो उस पॉइंट पी पे एक मिनट तक रुकता है, फिर वो दूसरा राउंड लेना स्टार्ट करता है. ये हो गया ऑब्जेक्ट ए के बारे में. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑब्जेक्ट बी का क्या लिखा हुआ है. बी टेक्स 13 मिनट्स टू कम्प्लीट द राउंड बट रीस्टार्ट आफ्टर डिले ऑफ 2 मिनट्स. अब बी ऑब्जेक्ट जो है वो, उसको 13 मिनट लगता है सर्कल का एक राउंड पूरा करने के लिए, और जब वो कॉमन पॉइंट पी पे पहुंचता है तब वो वहाँ पे 2 मिनट का रेस्ट करता है और फिर अगेन स्टार्ट करता है दूसरा राउंड. तो पूछा है, हाउ मेनी मिनट्स आफ्टर दे बिगिन वुड दे मीट अगेन एट पॉइंट पी. तो ऐसा बोला है कि दोनों एक साथ कितने मिनट के बाद वापस से पॉइंट पी पे मिलेंगे. तो जैसा क्वेश्चन था, चलिए देखते हैं क्या हो सकता है उसका सॉल्यूशन. और यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, 45 मिनट्स, 47 मिनट्स, ऑप्शन सी इज 43 मिनट्स एंड ऑप्शन डी इज 50 मिनट्स. तो जैसे हमें बताया है कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, उस सर्कल पे कोई पॉइंट पी जो है वो कॉमन पॉइंट है. चलिए हम इसे कॉमन पॉइंट पी ले लेते हैं कि ये हमारा कॉमन पॉइंट पी है. और एक बात और बोला है कि ऑब्जेक्ट ए एंड बी मूव्स क्लॉकवाइज. ये क्लॉकवाइज जो है, ऑब्जेक्ट ए और बी सर्कल के चारों तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है. चलिए मान लेते हैं कि, ये ऑब्जेक्ट ए यहाँ से स्टार्ट किया घूमने को, पॉइंट पी से ऑब्जेक्ट ए स्टार्ट किया घूमने को, और सेम टाइम पे ही ऑब्जेक्ट बी भी स्टार्ट किया है घूमने को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. एक सर्कल है, उस पर कॉमन पॉइंट पी है, और उस सर्कल के चारों तरफ ऑब्जेक्ट ए और बी चक्कर लगा रहे हैं. और पूछा है कि कितने मिनट के बाद दोनों पॉइंट ए और बी कॉमन पॉइंट पी पे एक साथ पहुँचेंगे, तो कितना टाइम लगेगा दोनों को. और ए को एक राउंड पूरा करने के लिए 10 मिनट लगता है, और वो एक मिनट का पॉइंट पी पे आराम करता है और फिर वापस से दूसरे राउंड के लिए निकल जाता है. वैसे ही पॉइंट बी जो है उसको 13 मिनट लगता है पूरा सर्कल का एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, और जब वो कॉमन पॉइंट पी पे पहुंचता है तो वहाँ पे 2 मिनट के लिए रुकता है और फिर वो आगे बढ़ता है. तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा दोनों ऑब्जेक्ट ए और बी को कॉमन पॉइंट पी पे पहुंचने के लिए. तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. चलिए ले लेते हैं ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट है ए
और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। ये हो गया ऑब्जेक्ट। अभी दूसरा बनाते हैं टाइम टेकन टू कंप्लीट फर्स्ट राउंड, और दूसरा कॉलम एक और बना लेते हैं डिले ऑफ टाइम, डिले ऑफ टाइम एंड देन बाद में टोटल टाइम, टोटल टाइम मिला के कितना लगता है इन्हें। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया टाइम टेकन टू कंप्लीट फर्स्ट राउंड, उसके बाद कॉमन पॉइंट पी पे पहुंचने के बाद डिले टाइम कितना है दोनों ऑब्जेक्ट का, उसके बाद दोनों का मिला के टोटल टाइम कितना होता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ए, ए ऑब्जेक्ट को लगता है 10 मिनट्स एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। तो फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करने के लिए ये लेता है 10 मिनट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, उसका डिले टाइम है 1 मिनट्स, वो 1 मिनट का वहाँ पे रेस्ट लेता है। और तो 10 + 1 11 हो गया, मतलब 11 मिनट में, 11 मिनट तक वो पॉइंट पी पे, कॉमन पॉइंट पी पे रहेगा। वैसे देख लेते ऑब्जेक्ट बी का क्या है। ऑब्जेक्ट बी का एक राउंड कंप्लीट करने के लिए उसको लगता है 13 मिनट्स, तो यहाँ पे 13 लिखेंगे, और उसका डिले टाइम है 2 मिनट्स। तो मतलब 13 मिनट्स में जब वो कॉमन पॉइंट पी पे पहुँचता है, उसके बाद 2 मिनट आराम करता है, उसके बाद वापस से सेकेंड राउंड के लिए निकल पड़ता है। तो दोनों का टाइम प्लस करके हो जाता है 15 मिनट्स। तो यहाँ पे देखें हम लोगों ने कि ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी दोनों ने एक राउंड लगा लिया, लेकिन वो एक दूसरे से मिले नहीं हैं अभी। जब ये 11 मिनट पे निकल चुका है तब, और ये दूसरे राउंड के लिए 11 मिनट पे निकला है ऑब्जेक्ट ए, 10 मिनट पे उसने, 11 मिनट में वो अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट करके वो दूसरे राउंड के लिए निकल गया है, और ऑब्जेक्ट बी जो है वो 15 मिनट में अपना राउंड कंप्लीट किया है और दूसरे राउंड के लिए निकल गया है। अभी तक दोनों एक साथ पॉइंट पी पे नहीं मिले, और क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कितना कितना टाइम लगेगा दोनों को, कि ऐसा टाइम आएगा जिससे दोनों ऑब्जेक्ट ए और बी दोनों पॉइंट पी पे एक साथ मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं सेकेंड राउंड के लिए क्या होगा। अभी सेकेंड राउंड का टाइम देख लेते हैं। सेकेंड राउंड जब ये लगाएंगे, और ये इनका डिले टाइम, डिले टाइम देन टोटल टाइम। अभी फर्स्ट राउंड में तो ये दोनों कॉमन पॉइंट पी पे मिले नहीं, अभी देखते हैं सेकेंड राउंड पे मिलते हैं कि नहीं। चलिए तो अभी 11 मिनट फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ, 11 मिनट हो गया। अभी सेकेंड राउंड को कंप्लीट करने के लिए 10 मिनट्स और लगेगा ऑब्जेक्ट ए को, तो 11 + 10 हो जाएगा 21, और फिर वहाँ पे वो पॉइंट पी पे, कॉमन पॉइंट पी पे एक मिनट के लिए रुकेगा वहाँ पे, तो 1 मिनट और, तो 21 + 1 ये 22 मिनट्स, मतलब 22 मिनट्स जब हुआ रहेगा तब सेकेंड राउंड पूरा करके ऑब्जेक्ट ए वापस कॉमन पॉइंट पी पे रहेगा, रुका रहेगा। उसके बाद 22 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद वहाँ से थर्ड राउंड के लिए निकल जाएगा। अभी ऑब्जेक्ट बी जो है उसका 15 मिनट्स हुआ है, अभी वो 15 मिनट्स फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने के बाद, 15 मिनट्स में वो फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया, डिले टाइम कंप्लीट किया, उसके बाद वो सेकंड राउंड के लिए निकलता है। अभी उसको वापस से 13 मिनट लगता है सेकंड राउंड को पूरा करने के लिए, तो 15 + 13 = 28, तो उसको सेकंड राउंड पूरा करने के लिए 28 मिनट्स लग गया, और उसका डिले टाइम है 2 मिनट्स, और 28 से लेके 29 और 30 तक वो पॉइंट पी पे ही रहेगा। तो ये 28 + 2 = 30 हो गया, मतलब 30 मिनट्स पे पॉइंट बी, कॉमन ऑब्जेक्ट बी कॉमन पॉइंट पी पे रहता है। तो अभी फर्स्ट राउंड में भी वो एक दूसरे से नहीं मिले पॉइंट पी पे, और सेकंड राउंड में भी वो नहीं मिले। चलिए देख लेते हैं थर्ड राउंड में क्या होता है। अभी थर्ड राउंड डिले टाइम टोटल टाइम, और यहाँ पे हो जाता है ऑब्जेक्ट। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इसको समझने में ज़्यादा टाइम लग रहा है आपको, पर आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आप इसे फटाफट कर पाएंगे। ये ए और ये बी। अभी ऑब्जेक्ट ए को सेकंड राउंड पूरा करने के लिए यहाँ पे देखिए 22 मिनट लगा, अभी उसको थर्ड राउंड पूरा करने के लिए 10 मिनट्स और लगेगा,
तो 22 + 10 = 32 मिनट्स। 32 मिनट्स में वो थर्ड राउंड पूरा करता है और उसका डिले टाइम है 1 मिनट, तो वो 32 से 33 तक कॉमन पॉइंट पी पे रुका रहेगा। उसके बाद वो मतलब 32 + 1 = 33 मिनट तक वो कॉमन पॉइंट पी पे रुका रहेगा, उसके बाद वो फोर्थ राउंड के लिए निकल जाएगा। वैसे ही अभी ऑब्जेक्ट बी जो है वो 30 मिनट्स तक कॉमन पॉइंट पी पे रुका हुआ था, अभी वो वहाँ से निकलेगा और 13 मिनट में अपना थर्ड राउंड कंप्लीट करेगा। तो 30 + 13 कितना हो जाएगा, 43 मिनट्स। 43 मिनट्स बाद में उसका डिले टाइम है 2 मिनट्स, तो 43 + 2 = 45। 43 से लेकर 45 मिनट्स तक वो कॉमन पॉइंट पी पे था, ठीक है। अभी भी कोई भी किसी भी टाइम पे ऑब्जेक्ट है और भी एक दूसरे से मिले नहीं। अभी चलिए देख लेते हैं फोर्थ राउंड में क्या होता है। फोर्थ राउंड डिले टाइम यहाँ पे है और यहाँ पे टोटल है। फोर्थ राउंड में क्या हो जाएगा, फोर्थ राउंड में इसका जो 33 मिनट्स है, 33 मिनट्स में ऑब्जेक्ट है थर्ड राउंड कंप्लीट करता है और उसके बाद वो फोर्थ राउंड के लिए निकल जाता है। तो अभी जब वो फोर्थ राउंड ऑब्जेक्ट है जब फोर्थ राउंड कंप्लीट करेगा तो उसको फोर्थ राउंड कंप्लीट करने के लिए 10 मिनट्स और लगेंगे। तो 33 + 10 हो जाता है कितना, 43 मिनट्स। 43 मिनट्स और उसका डिले टाइम है 1 मिनट्स, और 43 + 1 = 44 मिनट्स में ऑब्जेक्ट ए जो है अपना फोर्थ राउंड कंप्लीट करता है। देखिए जब ऑब्जेक्ट बी अपना थर्ड राउंड कंप्लीट किया था, ऑब्जेक्ट बी जब अपना थर्ड राउंड कंप्लीट किया था कब किया था, 43 मिनट्स पे वो अपना थर्ड राउंड कंप्लीट किया था, जबकि ऑब्जेक्ट ए जो है वो फोर्थ राउंड कंप्लीट कर रहा है 43 मिनट्स में। तो ये 43 मिनट्स एक ऐसा टाइम है जब ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी दोनों कॉमन पॉइंट पे आके मिलते हैं। तो यही पूछा है कि ऐसा कौन सा टाइम है जिस पे ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी कॉमन पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। तो हमें आंसर मिल गया है, आंसर है 43 मिनट्स। चलिए ऑप्शन में देखते हैं किधर है। फर्स्ट ऑप्शन है 45 मिनट्स, तो ये अपना आंसर नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है 47 मिनट्स, ये भी अपना आंसर नहीं है। थर्ड ऑप्शन है सी ऑप्शन है 43 मिनट्स। देखिए तो ये करेक्ट आंसर है। तो 43 मिनट्स में पॉइंट ए, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी दोनों आके कॉमन पॉइंट पी पे मिल जाएंगे एक ही टाइम पे। तो इस टाइप का ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है 2 मार्क्स के लिए पार्ट ए में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए LCM और SCF का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आंसर तो क्लोज मिलेगा आपको, लेकिन वो एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, गलत होगा। तो इसलिए इस टाइप का सम सॉल्व करने के लिए आपको ये ट्रिक का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया है ट्रिक कैसे फाइंड आउट करना है तो देख लेते हैं। सेकेंड, अभी टाइम टू टेस्ट योर सेल्फ, यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है, आप उस क्वेश्चन को पढ़िए, सेम टाइप का क्वेश्चन है, पढ़िए और फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं एक बार आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। अल्फा एंड बीटा मूव्स एंटी क्लॉक वाइज अराउंड अ स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट गामा। अल्फा टेक्स 15 मिनट्स टू कंप्लीट अ राउंड बट रीस्टार्ट्स आफ्टर अ डिले ऑफ 1 मिनट्स। बीटा टेक्स 20 मिनट्स टू कंप्लीट द राउंड बट रीस्टार्ट्स आफ्टर डिले ऑफ 2 मिनट्स। हाउ मेनी मिनट्स आफ्टर दे बिगिन वुड दे मीट अगेन एट पॉइंट गामा। तो यहाँ पे खाली ऑब्जेक्ट का नाम अलग हो गया है और शेप का नाम अलग हो गया है और डायरेक्शन जो है मूव करने का वो क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हो गया है बस। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जैसे मैंने करके बताया, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे टाइम चेंज कर दिया गया है, अल्फा का टाइम 15 मिनट्स है और उसका डिले टाइम 1 मिनट्स है, और बीटा का राउंड कंप्लीट करने का टाइम 20 मिनट्स है और डिले टाइम 2 मिनट्स है। तो आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को और सॉल्व कीजिए। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो कमेंट करके मुझे बताइए आंसर, मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको इसका सही आंसर बताऊँगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल केमस्टार को। थैंक यू वेरी मच।